गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट ईएनवी चैप्टर नंबर 15 नेचुरल रिसोर्सेज। प्रीवियस वीडियो में हमने ये लेसन का रिवीजन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था, तो हमने फॉरेस्ट तक का टॉपिक स्टडी किया था कि फॉरेस्ट हमको किस तरह से यूजफुल है, क्या क्या चीज़ें देते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है। तो फॉरेस्ट इज अ वन टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट हमको बहुत सारी चीज़ें देता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फ्रूट्स देता है ना फॉरेस्ट? नहीं देता, फ्रूट्स थोड़े फॉरेस्ट में उगते हैं। फॉरेस्ट तो हमको सारी चीज़ें देता है, वुड देता है, फिर एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट का घर है वो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमको फॉरेस्ट में से मिलती है। और वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बारिश आने में फॉरेस्ट हेल्प करता है, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, एंड वी नो दैट ट्रीज हेल्प अस टू ब्रिंग द रेन। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइव स्टॉक और एनिमल्स वेल्थ स्टडी करेंगे आज। लाइव स्टॉक और एनिमल्स वेल्थ, ये टॉपिक हम आज स्टडी करेंगे। ह्यूमन स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स लॉन्ग टाइम बैक। दिस एनिमल्स आर यूज्ड फॉर फूड एंड फॉर अदर पर्पजेस। बहुत पुराने टाइम से ह्यूमन मतलब हम इंसान एनिमल्स को क्या करते हैं, टेमिंग करते हैं, मतलब कि पालते हैं हम। तो हमको कोई दया नहीं आती इसलिए पालते, हमको उससे बहुत चीज़ें मिलती है इसलिए हम उसको पालते हैं। और ये बहुत ही प्रीवियस टाइम से चला आ रहा है। एनिमल्स दैट वी टेम आर यूज आर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। जो एनिमल्स को हम हमारे आंगन में रखते हैं, हम उसको पालते हैं, उसकी केयर करते हैं, वैसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और जो जंगल में रहते हैं एनिमल्स, उसको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या है टेम एनिमल्स का, पेट। जैसे हमको पपीज अच्छे लगते हैं, तो किसी के घर में रैबिट होता है, टॉर्टोइज होता है, तो ये सब हम अपने घर में पालते हैं, वो हमारे पेट्स हैं जिसको हम टेम करते हैं। सो आर काउज एंड डॉग्स, हॉर्सेस, बुलॉक्स, गोटशिप, विच वी जनरली कीप इन अवर फार्म। और ये जो है दूसरे एनिमल्स अभी जो बोली, उसको हम घर के अंदर नहीं रख सकते, उसको हम फार्म में रखते हैं। तो फार्म में कौन से एनिमल्स को रखते हैं हम, काउस, काउज, हैंड्स, डक्स, हॉर्सेस, बुलॉक, गोट, शीप एक्सेट्रा, ये सबको हम कहाँ रखते हैं, इन द फार्म। तो हम घर के अंदर नहीं रखते हैं। अब हम हमारा टॉपिक क्या है, लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक की हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन है कि एनिमल्स रेज्ड बाय अस फॉर आवर यूज एंड फॉर अर्निंग प्रॉफिट आर नोन एज लाइव स्टॉक। हम एनिमल्स को टेम करते हैं
उसकी केयर करते हैं, उसको खाना पीना मेडिसिन प्रोवाइड करना, पर बदले में वो भी हमको कुछ देते हैं कि जिससे हमारा अर्निंग होता है, प्रॉफिट होता है, हम उससे पैसे कमाते हैं। लाइफ स्टॉक मतलब आजीविका, जीवन जीने के लिए जो पैसे हमारे ज़रूरी है और वो पैसे हमको वो एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं, तो उसको हम कहेंगे लाइफ स्टॉक। एनिमल्स रेज्ड बाय अस मतलब जिसको हम टेक केयर करते हैं फॉर अवर यूज़, हमारे यूज़ के लिए, एंड फॉर अर्निंग प्रॉफिट, और उससे हम पैसे कमाते हैं। हम कोई यूँ ही नहीं उनको दया खाकर अपने आंगन में रखते हैं, खाना पीना देते हैं, वो हमको मिल्क देते हैं, मिल्क में से मिल्क बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं, हमारी लाइफ का डेली रूटीन इजी हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे लाइफ स्टॉक। एनिमल्स रेज्ड बाय अस फॉर अवर यूज एंड फॉर अर्निंग प्रॉफिट आर नोन एज लाइफ स्टॉक। कैटल मतलब एनिमल्स। अब ये लेसन है लाइफ स्टॉक का, मतलब ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिसको टैम करके ह्यूमंस पैसे कमा सकते हैं और किस तरह। ओके, तो हम वो सारे कैटल्स के नाम और वो क्या देते हैं वो सब लिखेंगे। काउज एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क, ओके, और दूध बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट, और अब देखो मिल्क में से क्या बनता है, तो मिल्क में से क्या, मिल्क प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, लोग के
क्रॉस। उसको हम एज अ मैन्यूर फार्म में यूज करते हैं।
तो हमको अच्छा क्रॉप भी मिल सकता है। अब हम अदर एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। Other animals, hens and ducks are raised for eggs and meat. Hen और duck को हम meat और egg हमको उनसे मिलते हैं, इसलिए हम उसको tame करते हैं। फिर है fish and other water animals such as shrimps and crabs are reared for food. Seafood बोलते हैं ये जो fish है, crabs है, उनमें से जो food बनता है वो animals को यूज़ करके फूड बनाते हैं। जो ये सारे नॉन वेजिटेरियन के टॉपिक हैं, तो फिश, फिर श्रिम्स, क्रैब्स, ये वाटर एनिमल्स हैं। इनमें से जो फूड बनता है उसको सी फूड बोलते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। हमें पता है जो सिल्क के कपड़े हम पहनते हैं शाइनिंग वाले होते हैं, कॉस्टली भी होते हैं, तो वो सिल्क वॉर्म नाम का एक इंसेक्ट है। उसको पानी में उबालते हैं, फिर बड़ी प्रोसेस होती है फैक्ट्री में, और वो प्रोसेस से सिल्क का मटेरियल बनता है जो बहुत कॉस्टली होता है, लस्टरियस होता है। लस्टरियस में एकदम शाइनिंग वाला होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब बहुत सालों तक वो वैसा का वैसा ही रहता है। अच्छा लॉन्ग यूज़ हम उसको कर सकते हैं, वो फटता नहीं है जल्दी। मेडिसिन एंड वैक्सीन आर मेड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ सम एनिमल्स। जैसे कॉड लीवर ऑयल है, तो कॉड नाम की फिश होती है, उसके लीवर में से जो ऑयल बनता है वो कॉड लीवर ऑयल। जो अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम होता है, जैसे जॉन्डिस होता है, तो जॉन्डिस में लीवर हमारा वीक हो जाता है, तो वैसे पर्सन को कॉड लीवर ऑयल की मेडिसिन दी जाती है। वैसी बहुत सारी मेडिसिन है जो एनिमल्स में से बनती है, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि जैसे फॉरेस्ट हमको कितना यूजफुल है, उसी तरह एनिमल्स भी, लाइफ स्टॉक एंड अदर एनिमल्स भी हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती है। ओके, अब है मिनरल वेल्थ। तो मिनरल वेल्थ है मतलब मिनरल्स हमको कहाँ से मिलते हैं, अंडर द क्रस्ट ऑफ द जमीन के अंदर से। रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं,
जिसको हम मिनरल्स कह सकते हैं। वी गेट सेवरल मटेरियल्स फ्रॉम दिस मिनरल्स। मिनरल्स आर देयरफॉर अनदर इम्पोर्टेंट नेचर रिसोर्स। तो ये सब जैसे नेचर रिसोर्सेज से फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, सॉइल था सबसे पहला टॉपिक, उसी तरह से मिनरल्स इज ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वी गेट सेवरल मटीरियल्स फ्रॉम दिस मिनरल्स। मिनरल्स आर देयरफॉर अनदर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब हम कौन कौन से वो हैं उसके अलग अलग टाइप्स के नाम लिखेंगे। पेट्रोलियम है, डीजल है, वो सब मिनरल वेल्थ। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल सारे अर्थ के एकदम अंडर बहुत बहुत डीप में होते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए हमको होल करना पड़ता है। डीप होल, होल्स आर डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट द मिनरल्स। मिनरल्स बाहर निकालने के लिए अर्थ में हम जो होल करते हैं उसको हम माइंस कहते हैं। माइंस जिसको हम खान बोलते हैं, ये कोलसे की खान है, ये हीरे की खान है, गुजराती में हम खान बोलते हैं ना, तो डायमंड बोलते हैं। डायमंड तो फिर किस में से बनता है, कोल में से। तो मिनरल माइंस कहते हैं कि अर्थ के क्रस्ट में से, अर्थ के डीपर लेयर में से हमको जो इम्पोर्टेंट और एकदम प्रेशियस मिनरल्स बाहर निकालने होते हैं तो हमको डीप होल करना पड़ता है और उसको हम माइंस कहते हैं। जब उसको अर्थ के अंडरग्राउंड निकालते हैं बाहर तो वो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होती है। तो उसको बाहर निकालने के बाद हम उसको पहला काम प्योरीफाई करने का करते हैं। दे आर प्योरीफाइड एंड यूज्ड टू मेक अ नंबर ऑफ थिंग्स। उसको हम बाहर निकाल कर, क्योंकि अर्थ के अंदर तो बहुत सारी सॉइल होती है, फिर लावा होता है, तो बहुत इम्प्योर फॉर्म में होते हैं। तो उसको बाहर आने के बाद उसको फैक्ट्रीज में प्योरीफाई किया जाता है और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वी गेट मेटल्स। हमको मेटल्स भी मिलती है, कौन कौन सी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेटल्स हमको किस में से मिलती है, मिनरल्स में से, जो आफ्टर प्योरीफाई हमको ये सारी मेटल्स मिलती है। और आपको पता है कि सारे मेटल्स तो कितनी यूज़फुल है हमारे लिए, कि जैसे आयरन की बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, कॉपर वायर इलेक्ट्रिक में काम लगता है। ओके, तो हम ये टॉपिक को नेक्स्ट पीरियड में और डीपली
एक एक मिनरल्स और थिंग्स का क्या हमें यूज़ है, वो सारा हम नेक्स्ट पीरियड में डिटेल में आगे स्टडी करेंगे।